दोस्तों इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के फर्स्ट सेमेस्टर में जो जो चैप्टर आएंगे उन पर मैं एक एक करके वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करा रहा था। उसी कड़ी में यह दूसरा वीडियो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए लाभप्रद होगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मानक, मानकीकरण, मानकों की एसआई प्रणाली, मूल राशियां, संपूरक राशियां, व्युत्पन्न राशियां और औजार। तो औजार तो बहुत सारे हैं दोस्तों, वो तो कई दो वीडियो में करीब कवर होंगे, तो इन पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, तो निश्चित ही आपको एक बेहतरीन नॉलेज मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर के श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल टारगेट इलेक्ट्रीशियन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों दूसरा चैप्टर है, पहला चैप्टर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर जा करके उस पहले चैप्टर के 3-4 वीडियो हैं उनको आप देख सकते हो। यह दूसरा चैप्टर दोस्तों विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इसमें क्या दोस्तों, मानक किसी राशि की परिभाषा, मानक क्या क्या चीजें मानक के अंतर्गत आती हैं, किसी राशि की परिभाषा, किसी राशि का मात्रक, किसी राशि का इकाई मान, किसी उत्पाद का आकार, प्रकार एवं कार्य विवरण, ये जो है आदि का निर्धारण जो है रूप मानक कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें मानक के अंतर्गत आती हैं। अब क्या है कि मानकीकरण क्या है कि भारत में एसआई स्टैंडर्ड, मतलब जो एसआई है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के आधार पर 1969 में ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की जो स्थापना हुई ने मानकों का निर्धारण कार्य प्रारंभ किया, ठीक है। कई बार दोस्तों प्रश्न भी आ जाते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई या कब मानकों का निर्धारण शुरू हुआ, ये क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों एग्जामों में। तो आप लिख सकते हो कि 1969 में शुरू हुआ था। आइए आगे बात करते हैं इस टॉपिक पे। मानकों की एसआई प्रणाली क्या है दोस्तों, कि यह प्रणाली नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम तथा नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड मतलब USA द्वारा मिलकर बनाई गई। यह जो दोस्तों एसआई प्रणाली है ये सारे पूरे विश्व में लागू है, जो कि USA और UK ने मिलकर के बनाई थी, क्योंकि हर देश इस चीज को मानता है। यह विश्व स्तरीय प्रणाली है, इसके अंतर्गत 7 मूल, 2 संपूरक तथा 7 संपूरक राशियां आती हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें कुछ राशियां हैं, आइए हम उसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिएगा। देखिए मूल राशियां जो 7 मैंने बताई, उनमें से 7 क्या है, पहली क्या है लंबाई है, उसका जो मात्रक है मीटर है और इसका जो प्रतीक है m है। दूसरा है द्रव्यमान, द्रव्यमान का जो मात्रक है किलोग्राम है, जो इसका प्रतीक है वो किलोग्राम है kg, ठीक है। समय का सेकंड है और जो इसका प्रतीक है वो s है। उसके बाद आता है विद्युत धारा, एम्पियर इसका मात्रक है और जो प्रतीक है वो a है। अगला है दोस्तों तापमान, केल्विन इसका मात्रक है और इसका जो प्रतीक है वो k है। इसके बाद ज्योति तीव्रता, कैडिला इसका मात्रक है और c इसका प्रतीक है। पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक है मोल और इसका प्रतीक है MOL। तो ये 7 जो है मूल राशियां हैं जो कि मैंने आपको बताया है। इसके बाद जो संपूरक राशियां हैं, आइए हम उनको भी जान लेते हैं। तो संपूरक राशियों में क्या क्या आती हैं, इसमें से पहला है प्लेन कोण, इसका रेडियन मात्रक है और प्रतीक इसका RAD है, रेड। अगला है ठोस कोण, इसका स्टेरेडियन SR इसका प्रतीक है। तो ये दो
संपूरक राशियां हैं। इसके बाद व्युत्पन्न राशियां, आइए उन पर भी हम बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले है क्रम संख्या, ये क्या है दोस्तों, और भौतिक संख्या, भौतिक राशि, मात्रक और प्रतीक। तो आइए इनको देखते हैं। इसमें पहला है बल, बल का मात्रक है न्यूटन, प्रतीक एन, ठीक है। क्षेत्रफल वर्ग मीटर एम स्क्वायर, शक्ति वाट डब्लू। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, अगर आप एक पसंद आता है वीडियो तो लाइक करिएगा, और अगर पसंद नहीं आता है वीडियो तो डिसलाइक करिएगा। और दोस्तों बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि वीडियो में आपको क्या क्या कमी नज़र आई, तो मैं उनको दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। प्रतिरोध ओम इसका मात्रक है और ओम का सिंबल है वही इसका प्रतीक है। अगला है दाब न्यूटन प्रति वर्ग मीटर एन आब्लिक एम स्क्वायर, आवृत्ति हर्ट्ज एच जेड, कार्य ऊर्जा ऊष्मा। इन तीनों का जो मात्रक होगा वो हमारा जूल होगा, और जो इसका प्रतीक होगा जे ब्रैकेट में एन और एम है। इसके बाद अगला है विद्युत आवेश कूलाम इसका मात्रक है, सी इसका प्रतीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व टेस्ला इसका मात्रक है, और टी ब्रैकेट में वेबर पर मीटर स्क्वायर इसका प्रतीक है, धारिता फैराड इसका मात्रक है, एफ इसका प्रतीक है, कोणीय वेग रेडियन आब्लिक सेकेंड और आर ए डी आब्लिक सेकेंड इसका प्रतीक है। अगला है कोणीय वेग हो गया, प्रेरकत्व हेनरी एच, घनत्व किलोग्राम आब्लिक घन मीटर, किलोग्राम आब्लिक घन मीटर क्यूब कर दिया, वेग मीटर पर सेकेंड एम आब्लिक एस, और विभवांतर का वोल्ट होता है मात्रक और वी होता है इसका प्रतीक। तो ये कुछ दोस्तों मूल राशियां, संपूरक राशियां और व्युत्पन्न राशियां हैं। तो आइए अगला जो टॉपिक है हमारा उस पर चलते हैं। इसमें औजार, औजार पे ये बात करते हैं दोस्तों कि औजार क्या क्या होते हैं जो हमारे ट्रेड में यूज होते हैं, औजार जो ज़्यादातर यूज होते हैं, हम उसके बारे में जो महत्वपूर्ण औजार हैं उनके विषय में हम जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनकी बनावट क्या है उसके बारे में जानेंगे, काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है प्लायर, तो यह उच्च गुणवत्ता स्टील से बनाया जाता है, इसके जॉइंट वाले भाग पर समय समय पर ऑयलिंग करते रहना चाहिए। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जैसे मान लीजिए आप यूज़ नहीं कर रहे हो, रखे हुए हो, तो क्या होता है कि जो जॉइंट वाला भाग होगा वो उसमें जंग लग जाएगी और वो फिर फैलेगा नहीं, इसलिए आपको फिर बाद में दिक्कत होगी। इसलिए समय समय पर आप तीन तीन चार चार महीने पर इसके जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर आप ऑयल डालते रहिए, जिससे वो पूरी तरह से फ्री रहेगा। अगला है विकर्ण कटर प्लायर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कुछ इस तरह का विकर्ण कटर प्लायर होता है दोस्तों, इसे पार्श्व कटिंग प्लायर भी कहते हैं। अक्सर क्वेश्चन भी आ जाता है कि पार्श्व कटिंग प्लायर मतलब प्रश्न दे देगा और उसके ऑप्शन दे देगा, तो उसमें विकर्ण कटर प्लायर को आपको टिक करना पड़ेगा। तो इसका प्रयोग केबल तथा तार को काटने में किया जाता है, इसका उपयोग हम केबल और तार को काटने में इसका उपयोग करते हैं। इसकी जो लंबाई होती है वो 100, 125, 140, 160, 180 और 200 मिलीमीटर के आसपास होती है। तो दोस्तों ये रहे कुछ टूल्स के बारे में जानकारी, अगली वीडियो में हम और कई टूलों के बारे में समझेंगे, जानेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको एंड कटिंग प्लायर और इसके आगे के भी कई सारे औजार हैं उनके बारे में मैं इस अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। तो अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनके बारे में छोटा छोटा जानकारी मैं आपको दूंगा, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में कभी कभी टूल्स के बारे में पूछ लेता है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होगी, तो आप आसानी से उन क्वेश्चनों को हल कर लोगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।
वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा, और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में क्या कमी रह गई है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।